दो दिन से भाई बारिश हो रही है, इतना कीचड़ हो गया गली में पूरा, इतना इतना सारा कीचड़। तो गाइस हम तो पहुंच गए हैं यार। आज बहुत ज्यादा वो हो रहा है कोहरा टाइप, मतलब देखो कितनी वो हो रही है ना। अब दोबारा से वो ठंड वापस आ गई है जो रह गई थी, कुछ दिनों की ठंड हो रहा है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, मजे कर रहे हो गए। हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह और वर्कआउट लोकेशन, यहीं पे वर्कआउट करेंगे। और मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आप भी थोड़े से इंस्पायर हो और जाके एक्सरसाइज करो यार, क्योंकि पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे तो कम से कम एक्सरसाइज कर ही लेनी चाहिए, 2 घंटे नहीं तो कम से 1 घंटे तो कर ही लेनी चाहिए, बॉडी के लिए फायदेमंद रहती है। सो जाओ और कर लो एक्सरसाइज, आलस मत दिखाओ। ठंड तो होती रही यार, सर्दी गर्मी ये तो आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर शरीर चला गया एक बार तो फिर वो नहीं आएगा लौट, पॉइंट है। ओके गाइस, हो चुका है अपना वर्कआउट, अभी जा रहे हैं घर जल्दी जल्दी, घर जाके कुछ खाना पीना होगा। वैसे तो जूस बना रखा होगा मैंने मिक्स वेजिटेबल्स का, वही पी रहा हूँ मैं आजकल काफ़ी दिनों से, तो वही पियेंगे। उसके बाद तो ऑफिस है ही, लेग्स मार के आज पूरे अलग अलग तरीके से भी मारी थी मैंने आज, तो थक गया हूँ मैं, ऐसी थकावट सी महसूस तो हो रही है आज। बेसिकली मैं घर से सोच के आया था कि आज मैं अपना PR चेक करूँगा, PR इन द सेंस पर्सनल रिकॉर्ड, कि कितना वेट मैं मार सकता हूँ एक्चुअली मैं। तो लास्ट से लास्ट मेरा गया था PR बेस्ट 100 केजीज का सेल्फ में दो रेपिटेशन निकाले है ना, तो ठीक था, मतलब 100 किलो ही मार सकता हूँ मैं अभी वेटेड स्क्वाट्स में। इसे मुझे इंक्रीज करना धीरे धीरे, इस पर ध्यान देंगे। और नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा हर चीज़ में अब मैं अपना PR चेक करूँगा, कि वैसे तो 3 चीज़ों में PR चेक हो सकता है, एक वेटेड स्क्वाट्स में, एक डेडलिफ्ट में और फ्लैट बेंच में, बेंच प्रेस में। तो इन तीनों में चेक करेंगे कि कितना मेरा PR है, क्या मेरी स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। मींस कहने का मतलब ये, अपना बॉडी वेट, और अपना बॉडी वेट तो आप उठा ही सको और उससे थोड़ा ज़्यादा उठा सको तो काफ़ी बढ़िया। मेरा 74 केजीज वेट है जो कि 2 महीने पहले था, अब 78 मेरा 78 केजीज वेट है और मैंने 100 मारा है उस पर वेटेड स्क्वाट्स पे। अब चेस्ट पे देखते हैं कितना मार पाऊंगा, और डेडलिफ्ट है तो मैं मार ही लेता हूँ 100 से पार, चेस्ट का देखेंगे। सो अभी निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया, हाथ भी दर्द हो गया यार। देव चलेगा डॉक्टर के है, गर्म सा तो हो रहा है, दवाई लिया, चल रहा है दवाई लेने, है चले फिर उठ खड़ा हो। इतना तो नॉर्मल लग रहा है, गर्म ज्यादा नहीं लग रहा, सो रहा है इस वजह से, ऐसा तो नहीं कर रहा, ज्यादा गर्म तो लग रहा। मैं अपना जूस पी लूं जरा, चल रहा है तो चल जल्दी खड़े हो जा। ये भाई मिक्स वेजिटेबल जूस जो मैं सुबह पीने की बात कर रहा था, और बना दोपहर में खाना वाना खाने के बाद, तो अब पी रहे। पता नहीं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, सुबह से मैं 5 रोटी सुबह खाई मैंने, फिर दोपहर में खा ली 4 रोटी, 2 कटोरे दाल पी ली, और उसके बाद भी भूख लग रही है। अंदर मेरे पेट के दाना बैठा मुझे लग रहा है। एक गिलास पूरा फुल भर के जूस पी लिया, अभी भी है जगह, मन सा नहीं भरा, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि पेट खाली है यार। मैं लेके आऊं जाके बिस्किट, फिर पता चलेगा कि थोड़ा पेट में कुछ गया। फिर देव को हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर के लिए चलते हैं, डॉक्टर की भी तो दुकान चलानी है ना। ये कैसा होता है मम्मी, लहसुन? लहसुन होता है अदरक जैसा, लहसुन होता है सफेद, वो तो मुझे ही होता है, टेस्टी होता है, आप कह रहे हो ना फट जाएगी, इसे खा तो सही, फटेगी, तेज होता है, तेज होता है, इससे बुद्धि तेज होती है, हाँ अगले आदमी बुद्धि तेज होती है। काजू भूंजे हैं खा ले, हल्का वो लगेगा मिर्ची जैसा, हल्का मिर्ची जैसा, काजू जैसा लग गया टेस्ट में, सारे लहसुन निकल जाएंगे तेज हुआ तो, सुबह सुबह सारे। बाजरे की रोटी बना रहे हो? बाजरे की खा तो भाई, ये तो दिखा, रिएक्शन तो दिखा इसका, खाते लहसुन खाने के बाद, बिफोर देव लहसुन खाने के बाद, ऐसा कुछ कह रहे यार भाई, अबे दो खा तो, ऐसे जरा लुके दाते, हाँ धीरे धीरे खाऊंगा,
धीरे धीरे, अमरूद है ना ये, धीरे धीरे नमक लगा के खाएगा। एक बार में खाई से खा सकते हैं नमक लगा के अमरूद की तरह। मम्मी पहले आ जाती है साथ लेने के लिए, खा सकता है। खा तो चबा जाओ बिल्कुल, ऐसे छोटे छोटे बच्चे खा जाते हैं भाई, खत्म हो जाओगे एक ही बार अगर चबा लिया तो। मैं बड़े खत्म हो जाते हैं इससे, दांत आपके दांत खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं, बहुत बेकार साइज। कैसा टेस्ट है? देसी दारू जैसे, मम्मी ने बता देना देसी दारू जैसे। पी तो सही, पी ले फिर तो सुनवाई को दे देता। चल चल, नहीं ये वाला ठीक था, देसी दारू की तरह पी तो ठीक, मतलब खा तो सही, चबा के खा खाना। देख अब शकल देख, कुछ वो भी ले रहा, कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। नहीं ये वाले इतने वो नहीं है तगड़े। अब मैंने एक बार खाया था, आंसू निकाल देता है लहसुन, भूजने के बाद निकल गया इसका मसाला। अब तो भुजे हुए काजू जैसा लग रहा है। खा ले, ले सारे हिला दोगे एक साथ। खा ले चबा जा। क्या कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं तो कुछ भी नहीं किया, कच्चा खा के दिखे जरा दो। वो कोई डेट है? खा के तो बताओ भाई रे, वो कैसे होता, वो कोई डेट निकली हुई गोली थी क्या? नहीं बता दो, अगर खा लिया तो क्या? एक्सपायरी लहसुन थोड़ी ना था जो रिएक्शन करेगा। क्या बताओ, अगर खा लिया तो क्या? हम तो बस तेरा वो देख रहे थे, तेरे कच्चा लहसुन खा लिया तो क्या? चल खा के दिखा। एक रोटी दूंगी तेरा भी लगा, कच्चा लहसुन खा लिया चाहे उतना की। हाँ मतलब डिब्बे, खाली डिब्बे में से, खाली डिब्बे में से जितना चाहे उतना घी मिलेगा तेरे को। खाली डिब्बे में से क्या घी मिलेगा? खा के दिखा, देख पापा बोले नुकसान करेगा। इतना घी नुकसान करेगा, इतना घी नुकसान करेगा खाली डिब्बे में से घी खाकर। ये वाला चलेगा? नहीं ये वाला खा, सबसे छोटा, सबसे छोटा लहसुन खाना था ये वाला। ये खा के दिखा तब मैं जानू। ये ज्यादा छोटा हो गया, मैं सीधे मुंह में रख लड्डू की तरह कचर कचर कुछ। मोदक जैसा नहीं लग रहा है? मोदक, गणेश जी का मोदक जैसा। ले खा जा, आकर छिलका भी अंदर ही छिल जाएगा यार, खा जा। क्या अजीब सा लग रहा है खाना, एक लहसुन खाने में खड़े होने में वो लग रहा है कमजोरी कमजोरी सा फील हो रहा है आपको? पता लग रहा होता है कोई बात, बूढ़ी भैंस की तरह बैठ गया तो क्या होगा? बूढ़ी भैंस हो गया इसलिए कमजोर कमजोर लग रहा है। ये दिख रहा है आपको? ये अभी खा के दिखाओ तुम, ये दिख रहा है ये? हाँ हाँ खा। अरे कैसे दिखेगा आपको यार, ये तो नहीं दिख, अब दिख रहा हूँ। दिख रहा है, फोकस करना पड़ता है कैमरे। हाँ खा के दिखा, धीरे धीरे खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा मैं। कचर कचर चबा जा। ऐसे क्या रोटी है क्या? खाएगा, दो दिन लगा दिया। वैसे ये तो मिर्ची जैसा लग रहा है। खा रहे एक बारी में, सटक सटक गोली आई है, सटकू ए खिसक अटक अरटक की तरह खिसक ना। खा भाई, छह घंटे तो खा भाई, खा भाई खा भाई, ऐसे खा रहे बिल्कुल। अबे चबा जा, मुंह रख, मुंह रख के तुम चबा इसे, चबा। ये लो, अंग 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 हो गया, हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। आंसू आंसू से क्यों आ रहे हैं? तो चबाई देखो, मम्मी देखो, आंसू से आ रहे हैं, आंसू से आ रहे हैं यार। मैं आपको दिख नहीं रहे, आ भी नहीं रहे होंगे ना, तब भी बोल बोल के आ जाएंगे। आ रहे भाई, आ रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे भाई, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे भाई। देखो आंसू से आने लग गए, मतलब मेरे को फील यार, मतलब अब मेरे को फील नहीं हो रहा क्या? क्या सवाल, अभी तीन और खा सकता हूँ मैं ऐसे। तेरे को फील नहीं होगा? तीन और फट जाएगी, ज्यादा मत का, सुबह पता चलेगा। और क्या हुआ? गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने अमेजोन से इनके खांसी जा रहा है। चुप हो जा भाई, नहीं फूंक रहा सर। अब एक्टिंग मन करेगा, दो मिनट बोलने दे। मैंने मंगवाया है अमेजोन से इतना छोटा सा वो 4 इंच का ट्राइपॉड, दिखाता हूँ आपको, उसी में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। बट ये थोड़ा सा नकली है तो मैंने रिटर्न कर दिया है। ये बहुत ही छोटा सा हैंडी सा ट्राइपॉड है, इससे ज्यादा भारी तो ये लग रहा है मुझे, ये होल्डर, मोबाइल होल्डर।
बाकी ये छोटा सा और ये तीन टांगे भी इसकी। और ये बड़ा भी होता है तीन टांगे। ये तीन टांगे छह में ही बदल जाती है। और ये तीन टांगे बड़ी भी हो जाती है इसकी। मैं हेल्प करा तो नहीं 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 जरूरत नहीं है। नहीं गाइस ये इतना सा है। गाइस को विश्वास तो दिलाना जरूरी है कि नहीं? गाइस को विश्वास हो गया। गाइस आपको विश्वास नहीं होगा मुझे ही पता है, इसलिए मैं टांगे खोल के दिखाऊंगा। अपनी टांगे खोल के दिखा देना। गाइस को विश्वास हो चुका है, हो गया ना गाइस? मना कर रहे थे कोई, आपको पता चल रहा था आपको? नहीं नहीं मान गए। रिकॉर्डिंग करते करते कमेंट आ रहा है। इससे ज्यादा बेस्ट तो मेरा ये वाला ट्राइपॉड है, ये थोड़ा सा बड़ा है बस ऐसे करके, लेकिन ठीक है ये भी काम चल जाता है। और ये बिल्कुल ही छोटा वाला, बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली है, छोटा सा। ये वाले से बढ़िया तो अपने हाथ में ही फोन रखो, बाकी कहीं पे रखना है मतलब कहीं रख के वीडियो शूट करने है तो ये वाला ठीक सबसे बेस्ट। ये लिया था मैंने 250 का। और ये आया ऑनलाइन 200 रुपए का। मेरे को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है बिल्कुल, बनाने दिया करो यहाँ तो। फोकस ची होता है, शांति ची होती है, बीच में अड़ंगी मारते रहते हैं। बंद क्यों कर रहे हो भाई? हाँ ये शांति ची होती है वीडियो बनाने के लिए, फोकस ची होता है ऐसे, बीच में कभी खासते रहेंगे कभी कुछ करते रहेंगे।